सब ठीक तो है? कल रात को भी आपके घर पे कोई आया था क्या? ना उम्र देखी गई, ना रिश्तों की गरिमा देखी गई। इस जुर्म के जुनून ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आज का ये केस वहशियाना अपराध की एक ऐसी श्रृंखला है जो आपके यकीन की बुनियाद को हिला देगी। ले जाओ इसे और टेबल पे लगा दो, किसी को पता नहीं चलेगा। आधे घंटे में जहर का असर हो जाएगा, हमारा सारा परिवार खत्म हो जाएगा। चीनी आजकल सोने के भाव में मिल रही है क्या? मतलब खीर में शक्कर है ही नहीं। वो राशन खत्म हो गया था। अरे तो बनिए के घर से जाके उठा लाना था ना राशन। जी मैं भूल गई लान। और वो हराम को शंभू कहाँ मर गया? वो उसकी तबीयत खराब है तो अपने कमरे पर गया है। मम्मी पैसे हमें दे दीजिएगा, हम ले आएंगे। कुंभकर्ण की नींद अब टूटी, एक से एक निकम्मे पाल रखे हैं मैंने। सबको एक ही काम आता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ना बस। एक नौकर मिला है, काम कम और आराम ज्यादा। तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो? कब तक ऐसे ताने सुनते रहोगे? अरे तो हम कौन सा रोज छत पे जाके पतंग उड़ा रहे हैं, काम ही तो ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा तो क्या करें? भैया वो जो पैसे मेरे लिए थे वो मुझे वापस चाहिए। इस वक्त कौन आ गया? मैं जाके देखती। नहीं रुको रुको, हम देखते हैं। नाथू, तेरे दूध की क्वालिटी सुधर गई क्या? रोज की तरह अंकल से चार बातें नहीं सुनी तूने, क्यों अंकल? क्या हुआ? सब ठीक तो है? कल रात को आपके घर पे किसी का आना जाना लगा हुआ था। वो एक्चुअली मुझे कल आते हुए काफी देर हो गई थी, तो मैंने किसी को आते जाते देखा। ओह, दरअसल मिला ने कल अच्छा खाना बना दिया था ना, तो थोड़ा ज्यादा खा लिया था, इसलिए मैं टहलने गया था बाहर। तो रात को आप ही थे? हाँ हाँ, मैं चलता हूँ, फुर्सत में मिलते हैं। ठीक है अंकल। बंद करो ये रोना धोना। अरे जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाकर जीना तो पड़ेगा ना। अब एक बात याद रखो, जो कुछ भी हुआ है ना उसके जिम्मेदार तुम भी हो। अरे बंद करो रोना धोना। आशना जी, साहब ये शर्मा जी के घर में चल क्या रहा है? मतलब उनका आपस में कोई टेंशन वगैरह है? साहब ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर कोमल बिटिया 2-3 दिन से गायब है। दिन भर कोमल बिटिया घर पे रहती थी और नाच गाना करती थी, इसकी वजह से ना उसको बहुत डांट पड़ती थी। क्या चल रही? नचनिया बनना है या डॉक्टर? ये मेरा घर है, इसको काटना नहीं है। अगर ये सब दे सकते हैं ना तो तोड़ के फेंक भी सकते हैं इसको।
काहे डांट रहे बच्चे को? यही तो हमारे उसकी हंसने खेलने की, तो बिगाड़ो इसे। और एक बात सुन लो, एक लड़की हो तब भी इतनी छूट दिए हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अगर नाचना खेलना है ना तो हाथ पीले करके दूसरे घर में भेजने के लिए हमको जरा भी टाइम नहीं लगेगा, समझी? ठीक है, अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। हाँ साहब। हम खोलते हैं। अंकल जी, कुछ बात करनी है। देखो अनु, जैसी कोई बात है नहीं, सब ठीक है। अंकल जी, मैं 5 साल से आपका पड़ोसी हूँ। हाँ, ये बात सच है कि आजकल लोगों को अपनी पड़ोसियों की कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन मुझे है। इस वक्त मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, शायद मैं आपकी प्रॉब्लम हल कर सकूं। अमित जी, पापा सही कह रहे हैं, हमें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर कोमल का है? वो इस वक्त यहाँ क्यों नहीं है? वो राहुल, तुम हमेशा ही ऐसे हकलाते हो, या आज कुछ स्पेशल? नहीं, दरअसल कोमल अपने स्कूल की ट्रिप पे गई हुई है बाहर। बेटा सब कुछ ठीक ही, ऐसा कुछ है नहीं, अगर कुछ होगा तो तुम्हें ही बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन सिर्फ आपके पड़ोसी होने के नाते नहीं, बल्कि पुलिस ऑफिसर होने के नाते भी कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप किसी भी वक्त मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए आ जाऊँगा। हमारे स्कूल से कोई भी ट्रिप नहीं गया, और ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम 2 हफ्तों के बाद से शुरू हैं। क्या? अगर आपके स्कूल की कोई पिकनिक नहीं गई तो फिर कोमल 2 दिन से कहाँ है? सर, कोमल 2-3 दिन से स्कूल भी नहीं आ रही है। मैं खुद उसके पेरेंट्स को फोन करने वाली थी कि कोमल स्कूल क्यों नहीं आ रही है। ये संभाल के जाना। चलो। बाय बेटा, जो टिफिन में खाना दिया है वो पूरा खा लेना। ओके मम्मा। बाय। कोमल का है, पूरा सच बताइए, ये आखिरी मौका है क्योंकि इसके बाद बातचीत नहीं होगी, सीधे कार्रवाई होगी। कैसी कार्रवाई? कोमल ने तो हमें यही बताया था कि वो स्कूल ट्रिप पे जा रही है। शायद तो कोमल ने हमसे झूठ बोला, अपने किसी दोस्त के साथ पिकनिक पर गई हो। शर्मा जी, जितना मैं आपको जानता हूँ, आप उसे किसी भी ट्रिप पे भेजने से रहे, सच सच बता दीजिए, आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा। वो ना किसी दोस्त के साथ है, ना वो स्कूल में है, और उसका फोन भी ऑफ है। शर्मा जी, मांजरा क्या है? अनुज जी, किस मुंह से बताएं आपको कि क्या माजरा है? दरअसल कोमल घर छोड़कर भाग गई है। किसके साथ भागी है, कहां भागी है, ये हमें खुद नहीं पता। और ये सब आप मुझे अब बता रहे हैं? वो एक माइनर है, इस बात को दबा के आपने उसके लिए खतरा बढ़ा दिया है। उसके मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन मैं खुद लॉन्च करता हूं। विजय, कोमल का फोन 2 दिन स्विच ऑफ होने के बाद 19 तारीख को स्विच ऑन होता है। यस सर, और सेलुलर कंपनी से आई डिटेल्स में पता चला कि कोमल को लास्ट कॉल किसी आकाश त्रिपाठी ने किया था, और उसका लास्ट लोकेशन बालाजी चौक है। तुम पता करो इस कोमल और आकाश त्रिपाठी के बीच कनेक्शन क्या है, मैं बालाजी चौक जाके पता करता हूँ। सर, ओ
गायब हुई कोमल और आकाश के बीच के रिश्ते पर पुलिस गहरी तहकीकात कर रही थी, लेकिन कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं आया था। और इसी बीच मिली पूजा की लाश ने गुत्थी और उलझा दी। शर्मा की बेटी कोमल की गुमशुदगी की तहकीकात में अपनी तरफ से पहल करने वाले पीएसआई अनुज को कैलाश शर्मा के भाई दीपक शर्मा की छोटी सी बेटी पूजा की मिली लाश ने चौंका दिया। कई सवाल उठ रहे थे कि इस छोटी सी बच्ची को किसने मौत के घाट उतार दिया, इस मासूम के साथ ऐसा क्यों हुआ, कैलाश शर्मा के परिवार वाले पुलिस को तहकीकात में सहयोग क्यों नहीं दे रहे थे, ये किसी राज पर पर्दा डालने की कोशिश थी या फिर किसी जुर्म को छिपाने की साजिश। लेकिन इतना तो तय था कि इस परिवार में कुछ अंदरूनी खलिश जरूर थी। आखिर चल क्या रहा था इस परिवार में? सर, पूजा की माँ रानी और पिता दीपक से बात। दीपक के ऑफिस जाने का वक्त वही है जब पूजा की स्कूल बस आती, और रानी उस वक्त टिफिन बनाने में बिजी होती। पूजा के स्कूल बस का स्टॉप उसके घर से काफी करीब, इसलिए वो घर से अकेले जाया करती। जिस दिन पूजा की मौत हुई उस दिन वो घर से निकली तो थी, लेकिन वो स्कूल बस में चढ़ी नहीं। हमने उसके स्कूल बस के फ्रेंड्स और टीचर से बात कंफर्म की। शायद पूजा बस आने से पहले ही गायब हो चुकी थी। कितने बजे निकली थी पूजा घर से? सर, पूजा रोज घर से 7:30 बजे निकलती थी, और उस दिन भी वो उसी टाइम पर निकली थी। पूजा की बस वहाँ कितने बजे पहुँचती थी? सब पक्का 7:35 को, अशोक नगर का उसका टाइम ही 7:35 का। 7:30 बजे पूजा बस स्टॉप पर पहुँचती है और 7:35 पे गायब, सिर्फ 5 मिनट। अनुज, किसी के लिए कैसे पॉसिबल है 5 मिनट के अंदर किसी बच्ची को किडनैप करना? सर, मैंने उस बस स्टॉप के पास जाके भी चेक किया, कोई एटीएम हो या किसी दुकान में सीसीटीवी हो, सर कुछ नहीं मिला। एक काम करते हैं, 7:30 से 8 बजे के बीच वहाँ से आने जाने वाले लोगों से पूछताछ करते हैं, पड़ोसी, किसी रोड साइड वेंडर, किसी से कुछ भी पता चलना इस केस में हमारे लिए मेजर लीड हो सकता है। सर, सर कुछ पता नहीं चला। सर, यहाँ किसी ने कुछ भी नहीं देखा है, और उस बस में इस गली से चढ़ने वाली सिर्फ पूजा ही थी। सर, सोचने वाली बात यह है कि छोटे भाई दीपक की बेटी पूजा मर चुकी है, तो बड़े भाई कैलाश की बेटी कोमल गायब है। कैलाश और दीपक के आपस में संबंध कैसे हैं? तो दोनों भाइयों की आपस में बिल्कुल नहीं जमते। 2 साल पहले प्रॉपर्टी को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था दोनों के बीच, 4 महीने पहले ही दोनों अलग भी हुए। काहे का रिश्ता इतना सब हो गया? अरे, इतना कठोर दिल दुश्मन का भी नहीं होता है भाई साहब। ने आना तो दूर एक फोन भी नहीं किया हमको, और हम समझते नहीं है क्या, ये जो ढकोसला तुम करने यहाँ आए हो सब समझते हैं, भीतर ही भीतर खुश हो तुम लोग। चाचा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? चुप रहो तुम, एकदम ठीक समझ रहे हैं। तो लगता है कहीं कोमल ने तो हमारी बिटिया को नहीं मार दिया, और उसके बाद तुम लोगों ने उसे छुपा दिया। इसे भी कोई भरोसा नहीं, सांप की औलाद सफोला नहीं होगी तो क्या होगी। चाचा जी, हम आपका दर्द समझते हैं। अरे, कुछ नहीं समझते हो तुम लोग, और कुछ समझने का जरूरत भी नहीं है। तुम एक काम करो भैया, निकलो तुम। चाचा जी, तुम जाओ भाई। चाचा, बात अरे जाइए, आप जाइए, एहसान कीजिए हमारे ऊपर। कैलाश और दीपक के बीच झगड़ा उन्नाव की प्रॉपर्टी को लेकर शुरू हुआ, और ये मामला सुलझने के बजाय और उलझता चला गया। ये कैलाश शर्मा है किस तरह का आदमी? सर, बड़ा ही ऑफेंसिव नेचर का आदमी, छोटी छोटी बात पे खिटपिट झगड़ा, उसकी किसी के साथ नहीं बनती। और उसका भाई दीपक, वो यहाँ से अलग होने के बाद कहाँ गया? उसी एरिया में घर रेंट पे लेके रहता है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। झगड़े के बाद कैलाश ने अपने प्रॉपर्टी की हर एक इंच अपने नाम पे कर ली है। वक्त के साथ इन दोनों की दुश्मनी और गहरी होती चली गई। अनुज, इस केस में 2 सगे भाई हैं, 2 अलग-अलग घर हैं, और दोनों घरों से गायब होती हैं 2 बेटियां। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई राज छिपा है? हो ना हो, इन दोनों बच्चियों के गायब होने के पीछे कोई ना कोई इंटरकनेक्शन जरूर है। सर, आकाश और कोमल 2-3 सोशल नेटवर्किंग साइट पे फ्रेंड्स थे, इनकी आपस में चैटिंग होती रहती थी। मैंने उस आकाश त्रिपाठी का पूरा बैकग्राउंड पता किया है सर। यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर एक कस्बा है सर, गजनेर, ये वहीं का रहने वाला है सर। माँ बाप की इकलौती औलाद है सर, ये यहीं एन कॉलेज के हॉस्टल में रहता है सर। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि आकाश पिछले 2 दिन से हॉस्टल नहीं लौटा है, और उसका फोन भी स्विच ऑफ। बेटा, आप दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप दोनों कोमल के अच्छे दोस्त हो ना। कोमल कुछ दिन से लापता है, किसी आकाश को जानते हो बेटा? आकाश और कोमल एक दूसरे को कैसे जानते थे? आकाश तो ना आपके स्कूल में आता है और ना ही आपके ट्यूशन की क्लास में आता था। सर, वो कोमल और आकाश ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। कुछ समय पहले आकाश कोमल के पीछे पढ़ा था, देखने में गुड लुकिंग भी है और लॉ की पढ़ाई भी कर रहा है। कुछ समय कोमल के पीछे पढ़ने के बाद
कोमल इंप्रेस हो गई। बेटा ये बात कोमल के घर वालों को मालूम थी? नहीं सर, कोमल आकाश से मिलने पार्क जाती थी तो पूजा भी वहाँ आती थी। कोमल, पूजा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपके साथ रहने में बहुत मजा आता है, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। अच्छा तो तुम मेरे घर आ जाओ, मैं बहुत सारी हेयर स्टाइल सिखाऊंगी। पर अब ना तुम घर जाओ, ओके? और गलती से भी किसी को मत बताना कि तुम मुझसे मिली हो, ठीक है? वरना हेयर स्टाइल नहीं सिखाऊंगी, ओके? विधि इसे घर ले जाओ। अनुज, कहीं ऐसा तो नहीं कोमल खुद अपनी मर्जी से आकाश के साथ भाग गई हो? और हो सकता है पूजा ने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी वजह से कोमल और आकाश को पूजा को रास्ते से हटाना पड़ा हो। सर एक सेकंड। हाँ बोलो। ठीक है हम थाने आते। तो पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसे मारने से पहले उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, इसके बाद उसका गला घोट के उसे मार दिया गया। बलात्कार? हमारी 5 साल की बच्ची के साथ, फूल जैसी गुड़िया के साथ, किसने किया ये सब? दीपक जी, इसको पहचानते हैं आप? इसे आपने कभी अपने एरिया में आते जाते देखा है? हाँ देखा है, मगर हम इसे पहचानते नहीं है। दीपक जी, इस लड़के का नाम आकाश त्रिपाठी है, आपके बड़े भाई कैलाश शर्मा की बेटी कोमल शर्मा का बॉयफ्रेंड है ये। आप हमको काहे दिखा रहे हैं सब? हमें इस लड़के पर शक है, किसी ने पूजा के साथ। ये ऐसा क्यों करेगा? हमें अभी सिर्फ शक है। दीपक जी आप अभी जा सकते हैं, जैसे ही हमें पूजा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके हत्यारे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम आपको खबर देंगे। सर ये आकाश एक लॉ स्टूडेंट है, वो इतनी छोटी बच्ची के साथ ये सब करेगा क्या? अनुज, इंसान के दिमाग पे जुर्म अपनी दस्तक उम्र देख के नहीं देती। ये एक बच्ची के साथ बलात्कार और खून का मामला है, किसी भी एंगल को इतनी आसानी से हम डिसमिस नहीं कर सकते। बाहर निकल कैलाश शर्मा, मेरी घर जमीन दुकान सब ले ली, मन नहीं भरा उसके बाद। साले चला क्या आया कर रे, चला जा यहां से, नहीं तो साले 4 गंधा पे इंतजाम करके जाना। फिर अरे तेरी लौंडिया के आशिक ने मारा है मेरी बच्ची को। अरे इतनी जवानी चढ़ रही थी तेरी बेटी को, शादी का नहीं करा दे उसकी, पता नहीं मेरी बेटी ने कोमल को, तेरी बेटी को उसके आशिक के साथ क्या क्या करते देखा होगा। अपनी ज़बान संभाल के दे, हमारी बेटी के बारे में कुछ भी बोला ना। बाबा वो नशे में, लेकिन आप तो होश में ना, अभी अभी उनकी बेटी मरी और आप छोड़िए ना, चलिए अंदर चल। चल चल, सुन ले एक बात, बात अगर हमारी इज्जत की आई ना, देख कैलाश शर्मा खून के रिश्ते का भी खून बहाने से डरेगा नहीं, समझा कि नहीं? कोई खून का रिश्ता नहीं है, आप सारे रिश्ते खत्म, अरे खत्म सब रिश्ते। अच्छा चल निकल यहां से, हमको सिखा रहा। कैलाश शर्मा और दीपक शर्मा के बीच की तलखियां खुलकर सामने आने लगी थी। पूजा के साथ हुए इस घिनौने अपराध का जिम्मेदार दीपक कैलाश को मान रहा था। क्या गुमशुदा हुई कोमल और उसके बॉयफ्रेंड आकाश का पूजा की मौत से कोई ताल्लुक था? पुलिस कड़ियां जोड़ने में लगी थी, लेकिन अब भी बहुत कुछ था जो सामने आना बाकी था। आतिवारी बोलो। सर, सर हमने आकाश के घर, कॉलेज, स्कूल, हॉस्टल सब जगह पता कर लिया, पर आकाश का कहीं कुछ अता पता नहीं है। आकाश के घर पे नजर रखो, वो अपने माँ बाप से या माँ बाप उससे मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके सर। कोमल की बॉडी है। और वो लड़की कौन है जो बार बार पुलिस स्टेशन आकर पलट जाती है? अपने 15 साल के करियर में कई परिवारों को उनके फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडीज सौंपी,
आप लोगों के रिएक्शंस तो सबसे अजीब है। कोमल की लाश आज मिली है ना, वो तो हमारे लिए उसी वक्त मर गई थी जब वो घर छोड़कर गई थी। सिमोन, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम अकेले में रोती रहती हो। शिवा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, इतना बड़ा कि जिसके लिए जितनी बड़ी सजा दी जाए वो कम है। इसके लिए तो गॉड मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। अनुज, पहले हमें पता चलता है कि पूजा को मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया था, और अब कोमल को भी मारने से पहले उसके साथ रेप किया गया था। ये सब चल क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये सब आकाश ने ही किया हो? कुछ नहीं पता, कोमल जब यहाँ से भागी तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं ये हम कैसे बता सकते? कैलाश जी, ये आप भी जानते हैं और मुझे भी पता है कि अभी भी कुछ है जो बताना बाकी है। अब वो क्या चीज है आप बताएं या ना बताएं, हम अपने तरीके से पता लगा लें। चलो हम सच कह रहे, हमने किसी का बलात्कार नहीं किया और ना ही किसी का खून। सर आप चाहे तो हमारे बारे में किसी से भी पूछ सकते हैं। सर हमने कोमल तक को आज तक हाथ नहीं लगाया। तो पूजा, कोमल के नंबर से आखिरी बार बातचीत तुझसे ही हुई थी, अब इस पे क्या झूठ बोलेगा? हाँ, कोमल और मेरी बात हुई थी, वो फोन पे फूट फूट के रो रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे मिलना और मिलकर बात करनी। तो मुझसे बालाजी चौक मिलने के लिए गया था सर, लेकिन जब वहाँ गए तो कोमल वहाँ पर नहीं थी। हम इधर उधर घूमते उसका इंतजार कर रहे थे, तभी हमारी नज़र उस पर पड़ी और हमने देखा कि वहाँ कुछ है, और हम उसके करीब गए तो वो लाश थी, तो हम तुरंत पहचान गए वो लाश कोमल की चचेरी बहन पूजा की थी। डर के मारे हमारे हालत खराब हो गई और हम भाग गए। हम बहुत डर गए थे कि कहीं इस केस में हम ना फंस जाए। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया सर। आकाश के बयान से इस केस का रुख ही बदल गया। जहां आकाश इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था, वहीं उसके बयान के बाद ये केस फिर से एक ऐसे भंवर में फंस चुका था जहां से पुलिस को कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। आखिर पूजा को किसने मारा था? पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना दूध से पानी अलग करने जैसा था, लेकिन बहुत जल्द इस केस में कुछ ऐसा होने वाला था जो ना पहले कभी देखा गया था और ना ही कभी सुना गया था। कचौड़ी को टेबल पे लगा दो और सबको नाश्ते के लिए बुला लो। ले जाओ इसे और टेबल पे लगा दो, किसी को पता नहीं चलेगा और आधे घंटे में जहर का असर हो जाएगा। कुछ ही मिनट में हमारा सारा परिवार खत्म हो जाएगा। नहीं माँ जी, बस बहुत हो गया, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मैं आज ही पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता दूंगी। अभी पुलिस स्टेशन जाकर मैं सब कुछ बता दूंगी। हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन शिकायत करने, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुत हो गया, अब जब मरना ही है तो क्यों ना सब कुछ बनाकर ही मरे। वैसे भी हमारी तो कोई गलती है नहीं, अब भुगतेगा वो जिसने गलत किया है। ए, पागल हो गई है क्या? अब तू निठल्ला वाला क्या देख रहा है?
समझा नहीं सकता उसको? अगर ये पुलिस स्टेशन गई तो पता है ना क्या होगा? एक बार अच्छे से सोच लो। हम जा रहे हैं, सब कुछ बता के रहे। कहाँ कहाँ इसको घर के अंदर बंद करो, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बताना, अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया ना तो सर फोड़ देंगे हम। अब चुप नहीं बैठेंगे, आज सब कुछ बता देंगे पुलिस को। पागल हो गए सर? मोस्ट प्रोबेबली एक सुसाइड केस। कोमल के बॉडी से कहीं भी आकाश के कोई डीएनए ट्रेसेस नहीं मिले। सर सर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। इन दिनों जो हमारे परिवार में हुआ उसकी वजह से हम सब की रातों की नींद उड़ चुकी है। भगवान ना करे कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। और इसके बाद हमारी सासू माँ चाहती है कि हम सब लोग जहर खा के आत्महत्या कर ले। और अब तक तो हम मर भी चुके होते। सर 16 मई की बात है, उस रात हमारे घर के दरवाजे पे घंटी बजी। इस वक्त कौन आ गया? अगर हमें पता होता कि उस घंटी के बाद हम सब की जिंदगी नरक बनने वाली है तो हम वो दरवाजा कभी खोलते ही नहीं। एक आदमी मंकी कैप पहनकर अपना पूरा मुंह ढक कर बंदूक ताने घर के अंदर घुस गया और उसने हमारी ननंद कोमल को अपनी बंदूक का निशाना बनाया और हमारे पति राहुल को बोला कि वो घर के सारे सदस्य को बांध दे। उसके बाद जो उसने किया वो तो और भी शर्मनाक था। उसने हम सबके सामने हमारी ननंद कोमल का बलात्कार किया। बाबूजी को यकीन था कि कोमल ही दोषी है। वो दरिंदा कोमल से बदला लेने आया था, इसलिए बाबूजी ने कोमल को घर से निकाल दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर। तेरा दोष नहीं तो किसका दोष है? अपने मोबाइल फोन देखी है तूने? मैसेजेस से भरा पड़ा है। अरे पढ़ने जाती थी, कुकर्म करने जाती थी वहाँ पर। अरे तेरे कुकर्म है ये सब, जो घर के अंदर तक चले आए। निकल जा, घर से बाहर निकल और शक्ल लेके यहाँ नहीं आना। चल निकल। नहीं बाबा, मेरा कोई निकल, बाहर निकल जा। खबरदार, अगर कोई इसकी हिमायत में आया ना तो लात मार के घर के बाहर निकाल दूंगा। निकल जा घर के बाहर। वो चीखती रही चिल्लाती रही लेकिन बाबूजी ने दरवाजा नहीं खोला और यहाँ तक कि हम में से किसी ने भी कोमल की मदद नहीं की और हताश होकर कोमल वहां से चली गई। शायद ये बात उसके दिल में घर कर गई हो। शायद इसी वजह से कोमल ने अपनी जान दे दी। हम सब ने मिलके ये बात दबा दी कि ताकि घर की बेइज्जती ना हो, लेकिन ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं है, कोई इंसान किसी 45-50 साल की औरत के साथ भी रेप कर सकता है और इस बार उस आदमी का निशाना हमारी सासू माँ थी। उसने हम सब के सामने वही किया जो कोमल के साथ किया। हम सब बस देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। सर उस घर में हैवानियत का ऐसा नंगा नाच चल रहा था कि जिसे बताने में भी हमें शर्म आ रही। उस रात के बाद तो हम सब की रूह कांप उठी थी। घर से बाहर निकलने में भी हमें डर लगता था। खौफ का ऐसा मंजर शायद ही किसी ने देखा जो हमारे साथ बीत रहा था। तुम लोग इतने वक्त तक उस अपराधी को झेलते रहे, एक बार भी पुलिस की मदद लेने का ख्याल नहीं आया? अरे अनुज तो तुम्हारा पड़ोसी था, उसे एक बार इशारा कर दिया होता ये सब रोकने के लिए। बाबूजी ने हम सब के मुंह पे पट्टी बांध रखी थी। जब जब घर की घंटी बजती हम कभी दरवाजा नहीं खोलते। लेकिन वो आदमी इतना शातिर था। उस रात हम सब सोने ही जा रहे थे।
हम सब बहुत घबरा गए। बहुत हिम्मत करके हमारे पति राहुल वो दरवाजा खोलने गए, और जैसे ही दरवाजा खोला तो वही आदमी था। इस बार उसकी दरिंदगी का शिकार हम थे। कुत्ते की तरह नोचा उसने हमें। हमारे बाबूजी, हमारी माँ, मर जाएंगे हम, मर जाएंगे हम। एक बात हमें समझ में नहीं आई, वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो किस बात का बदला हम सबसे ले रहा था? साहब, अब हम जीना नहीं चाहते, हम मरना चाहते, हमें मर जाने दीजिए। हमने जो कुछ भी किया हमने परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया। बहुत वक्त लगता है साहब नाम कमाने के लिए, और नाम को मिटाने के लिए एक झटका काफी होता है। क्या बताएं साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारी आंखों के सामने हम कुछ नहीं कर सके, ना अपनी बहन को बचा सके, ना माँ को, ना बीवी को। हमारा होना ना होना जैसे एक जैसा हो गया। इतना गिर गया अपनी नजरों में कि मन ही नहीं करता जीने का। आत्महत्या तो आप सबने तभी कर ली थी जब आप लोगों ने इतने बड़े जुर्म को छुपाया। जिंदा होने का सबूत तो आपकी बहू निशा ने दिया है। एक बार भी आप लोगों ने पुलिस से मदद मांगी होती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं आप लोगों के साथ। निशा के खुलासे ने यकीन की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। कोई इस तरह अपने ही घर में, अपने ही घर वालों के सामने घर की महिलाओं की इज्जत को तार तार कर गया था। खौफ और दहशत ने उन्हें जान देने तक को मजबूर कर दिया था। क्या ये इन परिवारों की किसी से दुश्मनी का नतीजा था, या फिर कोई और ही कहानी थी इस घिनौने अपराध के पीछे? पुलिस अब पूरी तरह से हरकत में आ चुकी थी। हर दिशा से इस मुजरिम को गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही थी। अनुज एक ही परिवार की तीन औरतों को टारगेट किया गया है। बलात्कारी ने एक बार नहीं, बार बार इसको करण को बड़ी दिलेरी के साथ किया। तो मुझे तो एक दुश्मनी का मामला लगता है, क्योंकि सिर्फ कैलाश की फैमिली का नहीं बल्कि दीपक के फैमिली की भी सारी गतिविधियां पता थी। उसे पता था पूजा बस स्टॉप पे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिले। अनुज एक काम करो, सर्वेलेंस बढ़ा दो और पता करो कि इस शर्मा परिवार से आखिर किसकी गहरी दुश्मनी है। खबरी नेटवर्क, चेक पोस्ट, पेट्रोलिंग वैन सबको अलर्ट कर दो। खास तौर से अशोक नगर में सबको चौकन्ना रहने को कहो। किसी ने भी अगर मंकी कैप पहने या उस कदकाठी के आदमी को देखा तो फौरन इन्फॉर्म करें। इस हैवान का पकड़ा जाना बेहद जरूरी। सर, अब तक मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कैलाश और दीपक एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन आसपास के लोगों से पता चला है कि पिछले कुछ दिनों से एक कॉन्ट्रैक्टर यहाँ कई बार आते जाते दिखा है। क्या नाम है उसका? मनोज। एड्रेस पता उसका? मनोज कौन है? वो रहा सर। मनोज, तुम ही मनोज हो? जी सर। ये कैलाश और दीपक के बारे में क्या जानते हैं? दोनों भाई साहब एक से बढ़कर एक है। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। पहले तो हमसे सस्ता वाला पानी का टैंक लगवा दिया। हमने उनको पहले ही कहा था कि ये चलेगा नहीं, फट जाएगा, ये इसका बॉल कॉक भी खराब हो जाता है। साहब अपना 1200 बचाने के चक्कर में हमारा 5000 का नुकसान करवा दिया। साहब इस 5000 के नुकसान की वजह से तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा। क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं इस नुकसान की वजह से तूने ही कुछ कर दिया हो? क्या साहब, आप भी हम पर शक कर रहे हो? साहब गुप्ता जी के यहाँ हमारा 7000 बाकी है, 6 महीने हो गए साहब, और तिवारी जी के यहाँ 5500 रुपये। ये देखिए साहब, और साहब आप ये हमको पूछने से अच्छा ना साहब राहुल से पूछते तो बहुत अच्छा होता साहब। उसके घर में अगर कुत्ता भी पाल लेना तो उसकी भी दशा अच्छी होती। काम धंधा कुछ करता नहीं है साहब, हर कोई उसको सुना के चला जाता। भैया वो 500 रुपये चाहिए थे स्कूल के पिकनिक के लिए। हम कहाँ से दे पैसे, हमारे पास नहीं है। हम भी कहाँ आपसे पूछ पे। ये लो, हमारी तरफ से। बाप चाचा घर का हर मेंबर उसको सुना के चला जाता है साहब। सब कमाई काफी कम हो पाती है, इस वजह से पापा थोड़ा नाराज रहते हैं, लेकिन इस वजह से हम अपने माँ बहन और बीवी का रेप थोड़ी करवा देंगे। हमारी आंखों के सामने वो ये सब, आप नहीं समझ पाएंगे किस दर्द से गुजर रहे। तुम्हारे यहाँ जो शामू नाम का नौकर था वो कहाँ है आजकल? वो हमारे काम नहीं करता, उसने नौकरी छोड़ दी।
घर में सब शामू को पसंद करते थे, सिर्फ बाबूजी को छोड़कर। ए, किधर? हम बोले कहीं जाने के लिए? साले जिससे पैसे मिलते हैं ना उसका हुक्म माना कर, समझा? जब भी घर पे रेप हुए तब शामू कहाँ था? जब जब घर में ये हादसा हुआ तब शामू यहाँ नहीं था। वैसे शामू यही घर के पीछे वाले कमरे में रहता था। हाँ, वो आदमी भी थोड़ा बहुत शामू जैसा ही लग रहा था। ये शामू कहाँ मिलेगा? घर के बाहर एक राशन वाले की दुकान है। साहब, शामू बहुत अच्छा लड़का है। एक बात बताओ, शर्मा जी के यहाँ पे काम छोड़ने के बाद वो कहाँ गया? नौकरी छोड़ने के बाद हमसे मिलने तो आया था और कह रहा था कि हर्षनगर में कहीं काम पे लगा है। चल थाने। सब मैंने के लिए सब थाने चल के पता लगेगा। चल कैलाश शर्मा के यहाँ से नौकरी क्यों छोड़ी तुमने? साहब, उस घर में कुछ गड़बड़ चल रहा था पर हमें नहीं पता था वहाँ क्या चल रहा है। पर जैसे समझ में आया ना साहब, मैं बहुत डर गया और हमने सोच लिया कि हम उस घर में अब नौकरी नहीं करेंगे। दिनों से देख रही हूँ कि आप यहाँ पर आती हैं फिर कुछ सोचकर उल्टा चली जाती हैं। क्या बात है, कोई तकलीफ है? जब घर में बलात्कार हुआ उस वक्त तू कहाँ था? साहब, या तो मैं अपने रूम में रहूंगा घर के पीछे, या फिर मेरा जो दोस्त है बिरजू किराना वाला उसके यहाँ। आप चाहे तो किसी को भी पूछ लो। मैडम, एक बूढ़ी औरत के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार? जी हाँ मैडम, मैं एक ओल्ड एज होम में काम करती हूँ। ये कुछ वक्त पहले की बात है लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई अभी तक। उस रेपिस्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन है आपके पास जिससे हम उसे पहचान सके? कौन है? रुक रुक। हाँ, उसने मंकी टोपी पहनी हुई थी। मंकी टोपी? सिविल लाइंस में एक 80 साल की औरत की रेप का मामला सामने आया, पर रेप के दो दिन बाद वो औरत सीढ़ियों से गिर के मर गई। सर, उस केस में रेपिस्ट का डिस्क्रिप्शन जो चश्मदीद लोगों ने दिया था वो हमारे केस के रेपिस्ट के साथ मैच करता है। शॉकिंग बात यह है कि ये वो बूढ़ी औरत उस कॉन्ट्रैक्टर मनोज की दादी थी। मनोज की दादी? एक कायर आदमी है तू। तेरे सारे लोकेशन हमने ट्रैक कर लिए, तेरे मजदूरों से हमने बात की, तूने जब जब कहा कि तू कंस्ट्रक्शन साइट पर था, तू वहां था ही नहीं। सर, इसके घर से ये मंकी कैप मिला है। अब कैसे बचेगा? हमने किए तीनों रे। बच्ची को क्यों मारा तूने? और अपनी दादी, एक 80 साल की औरत को भी नहीं छोड़ा तूने? तू इंसान है या हैवान? हमने दादी को कुछ नहीं किया है। हम दादी से बहुत प्रेम करते थे, हमने तो दादी का बदला लेने के लिए किया था। बदला? कैसा बदला? दादी की मौत सीढ़ियों से गिरने की वजह से नहीं हुई थी, उनका पैर नहीं फिसला था, उन्होंने आत्महत्या की थी। मरने से पहले उन्होंने उस कुत्ते का नाम भी बताया था। वो कौन था? कभी कभी वो यहाँ पर गड्ढे देने आता था। बेटा, मेरी जिंदगी पहले ही बहुत बड़ा बोझ थी, अब इस खिलौने घाव के साथ
मैं और नहीं जीना चाहती। हमारा एक ही उद्देश्य था कि उस कुत्ते से बदला लेना। हमने चल नाम बता। चल बता। आजम हमने रेप किया था, बुढ़ी औरत का भी और पूजा का भी। किया था ये तो हमें भी पता है, क्यों किया था ये बता। बचपन से लेकर सर हर मोड़ पर हर जगह असफलता ही मिली हमें। हर किसी ने हमें ये एहसास कराया है कि हम किसी लायक नहीं है। बाबूजी की चप्पल खा खा के दिमाग फिर गया हमारा, इसलिए सारा गुस्सा बुढ़िया पर निकाल दिया। अरे ये क्या कर रहे हो, गद्दा वहां नहीं यहाँ रखो, कहीं भी फेंक के चले जाते हो, सुनाई नहीं देता क्या? खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या दिख रहे हो, रखो वहां, निकम्मा तुम का। अच्छा लगा हमको कि कोई तो ऐसी जगह जहां हम फेलने हुए पास हो गए। इंसानियत का गला घोटा है तूने, तेरी वजह से एक बूढ़ी औरत को खुदकुशी करनी पड़ी। बच्ची को क्यों मारा, वो तो रिश्ते में तेरी बहन लगती थी ना। सब उस दिन जब कोमल का बलात्कार हो रहा था तो एक सेकंड के लिए बुरा लगा हमें, फिर अगले दिन से वही ताने सुनने को मिले। इसीलिए जब उस दिन बस स्टॉप पे पूजा दिखी हमें छोटी सी स्कर्ट पहने तो कुछ हो गया हमें। कुछ कुछ लेकिन उसको अपने साथ रेप किया, वो रोने चिल्लाने लगी। कोई सुनने वाला इसके गला घोट के मार के। तुम जैसे लोगों के लिए फांसी की सजा भी कम है। राहुल की विकृत मानसिकता की पांच महिलाएं शिकार बनी। हालांकि राहुल ने मनोज की दादी शैलजा और दीपक की बेटी पूजा से बलात्कार किया, लेकिन उसी के गुनाहों को मनोज ने भी दोहराया। एक मुजरिम की सजा उसके निर्दोष घर वालों को दी। मनोज बदले की आग में ऐसा जला कि आज वो अपनी दादी की मौत के साथ साथ अपने कर्मों पर भी आंसू बहा रहा है। अगर कैलाश सही वक्त पर सही कदम उठाता, पुलिस की मदद लेता, तो शायद कोमल की जान बच जाती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।